यह आरोप है कि केवल पूर्व समय में पुरुष ही शिक्षा प्राप्त करते थे एवं शिक्षा देते थे, वही शिक्षक होते। क्या भारत की सर्वप्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले थी? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि पूर्व काल में अनेकों विद्वान स्त्रियां हो चुकी है जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी एवं विदुषी हुआ करती थी। आज उन्हीं महिला शिक्षकों के बारे में, कुछ महिला शिक्षकों के बारे में जो भारत के प्राचीन काल में हुई है, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे एवं जानेंगे जो कि कौन कौन सी ऐसी महिला विदूषक थी जो सावित्रीबाई फूले से पहले भी हो चुकी है। महिला विदूषकों की सूची में सर्वप्रथम नाम आता है विद्या अलंकार होती का। विद्या अलंकार होती का जन्म 1740 ईस्वी में हुआ था। यह विदुषी महिला गणित, संस्कृत, काव्य, न्याय दर्शन एवं आयुर्वेद की परम ज्ञाता थी। बनारस में ही होती विद्या अलंकार ने एक गुरुकुल की स्थापना की थी जो कि छात्राओं के लिए था। एवं एक और विदुषी हुई है जिनका नाम है रूप मंजरी देवी। यह बंगाल की रहने वाली थी। रूप मंजरी देवी ने पड़ोस के ही गांव में शिक्षा प्राप्त की एवं वह आयुर्वेद की ज्ञाता थी। इन्होंने भी कन्याओं के लिए विद्यालय खुलवाए थे। 100 वर्ष उम्र हो जाने के बाद 1875 में रूप मंजरी देवी का निधन हुआ। वर्ष 1935 में दिनेश चंद्र सेन नामक एक लेखक ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम ग्रेटर बंगाल अ सोशल हिस्ट्री था। इस पुस्तक में उन्होंने होती विद्या अलंकार, रूप मंजरी देवी एवं अन्य कई विदुषियों का नाम व का भी वर्णन किया है। एवं इसी प्रकार काली कृष्ण मित्र नामक व्यक्ति ने भी बंगाल में एक विद्यालय की स्थापना करी थी जो केवल कन्याओं के लिए था। एवं साथ ही प्राचीन भारत में भी अनेकों उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि वेदवती नामक एक विदुषी हुई जिनको संपूर्ण वेद का ही ज्ञान था। एवं मंडन मिश्र की पत्नी जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य के साथ इतने कुशल तरीके से शास्त्रार्थ किया था, वो भी संस्कृत में एवं वेदादि विषयों पर। अब आपके सामने हम एक अत्यंत प्राचीन काल का प्रमाण रख रहे हैं। इसमें अनेकों वैदिक ऋषिकाओं का नाम है, आप देख सकते हैं। और अब जो आप यहाँ एक बुक का रेफरेंस देखेंगे, ये आचार्य शौनक द्वारा कृत बृहद देवता नामक ग्रंथ से लिया गया। तो अब इन सभी प्रमाणों से यह तो सिद्ध हो जाता है कि सावित्रीबाई फूले से पूर्व भी स्त्रियां पढ़ा करती थी एवं सावित्रीबाई फूले से पूर्व भी स्त्रियां पढ़ाया भी करती थी। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार पहले से ही था, वो स्त्री हो या पुरुष या फिर किसी भी वर्ण का। एवं अब हमारी वीडियो वर्ण व्यवस्था पर भी आएगी, जो कि क्या शूद्रों को पढ़ने एवं शिक्षा का अधिकार नहीं था। तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।